नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फ्रैग ब्रदर्स पे। मैं हूं आपका दोस्त कौशिक, और आज इस वीडियो पे मैं आपको एक बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट दिखाने वाला हूं। ये एक बखूर की सेट है जो मुझे मिला है इस्मत जावेरी साहब से। उनकी एक कंपनी है अल हदिया, बॉम्बे बेस्ड कंपनी है। ये उनकी प्रोडक्ट है, तो इसे हम अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको मैं दिखाऊंगा कि इसकी एरोमा प्रोफाइल कैसे है, उसके बारे में डिस्कशंस भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, मैंने जलाया है मदीना बखूर, और इसमें लिखा गया है मदीना, और आपने तो ऑलरेडी देखा है इसकी कलर को। ये थोड़ा सा ब्राउन टाइप की कलर में आता है। देखिए, ये बखूर जल रहा है अभी भी। तो बहुत ही यूनिक खुशबू है इसकी, एक मीठा सा नोट, बहुत हल्का सा एक ऊद टाइप की एक नोट आपको मिलता है यहाँ पे। बेसिकली मैं टिपिकल टाइप की ऊद इसे नहीं कहूँगा, इसे ऊद, रोज, सेफ्रॉन, थोड़ा सा चंदन, इस टाइप के चीज़ों का मैं एक मिक्स कहना चाहूँगा। सेफ्रॉन उतना खास नहीं है, शायद सेफ्रॉन इसमें उतना डाला भी नहीं गया है, पर मुझे ऐसा लग रहा था इनिशियली कि हल्का सा एक सेफ्रॉन टाइप की वाइब भी है। पर अभी ये जितना जलता जा रहा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऊद और रोज की ही प्रेजेंस सबसे ज्यादा है। सैंडल की भी एक हल्की सी नोट मुझे आ रहा है यहाँ पे। बहुत ही यूनिक खुशबू है। और देखिए, बखूर जलाने की जो प्रथा है, जो कल्चर है, अरब देश में जैसे फॉलो किया जाता है उस तरीके से, या फिर उस सेम लाइन में इंडिया में हम उतना ज़्यादा बखूर को इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है हमारा। बेसिकली हम धूप बत्ती अगरबत्तियाँ जलाते हैं, पर जो लोग धूप बत्ती अगरबत्ती ऑलरेडी बहुत सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर एक ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस के लिए इन चीज़ों को घर में जलाते हैं, उन्हें मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार आप बखूर को इस्तेमाल करके देखिए। बखूर में जो फील है, जो एक बहुत ही मतलब यूनिक टाइप की खुशबू आपको मिलती है, आई थिंक ये किसी भी धूप बत्ती या अगरबत्ती में इसकी तो रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। और मुझे पर्सनली बखूर जलाना बहुत ही पसंद है। अभी देखिए, इसकी फ्यूम्स अच्छी तरह से निकल रहे हैं, काफ़ी देर तक बर्न हो गया है। बहुत ही ब्यूटीफुल खुशबू है। तो दोस्तों, अभी समय है 8:30 सुबह की, और इस परिवेश में इस बखूर की खुशबू इतनी अच्छी तरह से फैल गई है, मतलब
सुबह का जो माहौल है, जो ये वातावरण है, ये कम्प्लीटली बदल गई है दोस्तों। आई थिंक अगर मेरे साथ यहाँ पे कोई भी रहेगा तो वो इस जगह को छोड़ के जाना नहीं चाहेगा बिकॉज ऑफ इट्स फील। ये जो फील है, मतलब सुबह की जो ये ताज़ी हवाएं हैं और उसके साथ बखूर की जो बहुत ही मीठी सी एक खुशबू यहाँ पे आ रहा है, ये बिल्कुल दिल को छू जाने वाली एक फैक्टर है। तो बहुत सारे वेरिएंट्स ऑलरेडी यहाँ पे रखा गया है। इन सारी चीज़ों को तो मैं एक साथ रिव्यू दे नहीं सकता, या फिर सारी चीज़ों को मैं एक साथ जला नहीं सकता। तो पहले मुझे लगा कि ये मदीना जो बखूर है उसी को मैं जला के देखूँ। तो मेरे तरफ से ये 100% सेटिस्फाइड एक प्रोडक्ट है। अगर आप मदीना बखूर को इस्तेमाल करते हैं या फिर और भी जो वेरिएंट्स हैं, मतलब एक से ही पता चलता है कि बाकी चीज़ें किस टाइप के होने वाली हैं। और कुछ चीज़ों को मैंने खोल के स्मेल भी किया है, तो मुझे तो लग रहा है कि इन्हें जलाने के बाद बहुत ही यूनिक, बहुत ही ब्यूटीफुल खुशबू आपको मिलने वाली है। और मदीना बखूर इज़ गोइंग टू बी एडेड इन माई फेवरेट बखूर्स लिस्ट। तो जितने भी बखूर मैंने आज तक इस्तेमाल किया है, कुछ अजमल के भी बखूर से मेरे पास, और कुछ बाहर देश के भी कुछ कंपनी है, मतलब अरब की कुछ कंपनीज हैं, उनके बखूर्स मैं हमेशा लेता रहता हूँ। तो मैं उन क्वालिटीज़ के साथ इन बखूर्स को कंपेयर कर सकता हूँ। जावेरी साहब ने बहुत ही अच्छा काम किया है। आपकी ये जो कला है, जो प्रेजेंटेशन है, जिस टाइप के चीज़ों को आपने मैन्युफैक्चर किया है, इसके लिए सर आपको सलाम। और सारे दोस्तों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों को एक बार एटलीस्ट एक्सपीरियंस कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। जावेरी साहब का फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, और ऐसे चैनल में भी आप देख सकते हैं, अभी नीचे दिया गया है उनके नंबर्स। तो संपर्क कीजिए उनसे और इन बखूर्स को एटलीस्ट एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए, बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब भी कर लें। बहुत ही जल्दी मिलेंगे नए वीडियो में।